प्रत्येक जीव मानकर एक विशेषत्व हेउची जनन बा प्रजनन जरिया रे वंश विस्तार करिबा। एही प्रक्रिया द्वारा से माने ठीक निज परी जीवटी सृष्टि करी निजर वंश वृद्धि करिबा सहित वंश रक्षा करिथांती। जेपरि कि आंबर टाकुआरु आंब गछटिए सृष्टि हेथाए, मणिषरु मणिष छुआटिए सृष्टि हेथाए, हाथीरु हाथी छुआटिए सृष्टि हेथाए, पिजुळी मंजीरु पिजुळीटी गछटिए सृष्टि हेथाए। एहिपरि भावरे प्रत्येक जीव निजर स्थिति को बजाय रखिया पई जनन प्रक्रियार साहाज्य नेइथांती। व्यक्तिगत भावे मनीष बा अन्य जीव बंची रहिबा पई एहा गुरुत्वपूर्ण नुह, किंतु संपृक्त जातिर स्थिति ओ समय स्रोतरे जातिर निरवच्छिन्नता बजाय रखिबारे एहा अपरिहार्य। वंश रक्षारे एही प्रक्रियार महत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। एबे देखिबा जननर प्रकार भेद। वंशवृद्धि मुख्यतः दुईटी उपायरे होइथाए, यथा एक नंबर होची अलिंगी जनन बा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं लिंगीय जनन बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केतेक जीवरे केवल अलिंगी जनन द्वारा ओ अनेक जीवरे केवल लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार होतवा बेले अन्य केतेक जीवरे उभय उपायरे वंश वृद्धि घटी थाए। ता छड़ा बहु उद्भिदरे अंगीय जनन बा वेजिटेटिव प्रोपागेशन माध्यमरे वंश वृद्धि होइथाए। एबे देखिबा अलिंगी जनन। अलिंगी जनन प्रक्रिया साधारणतः अणुजीव समेत केतेक निम्न श्रेणीर उद्भिद और प्राणी ठारे देखा जाइथाए। एही प्रक्रिया रे मातृकोष बा जनन कोष बा मदर सेल बा पेरेंट सेल विभाजित हेबा फळरे अपत्य कोष बा अपत्य जीवटीए सृष्टि होइथाए। एहा समविभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस प्रक्रिया रे संपादित होइथाए। अन्य एक प्रक्रिया होची आ माइटोसिस प्रक्रिया। एही प्रक्रिया मुख्यतः निम्न वर्गर प्राक्नेष्टीय जीवमानक ठारे संपादित होइथाए। एहा प्राक्नेष्टीय बैक्टीरिया जथा सियानो बैक्टीरिया एवं मुख्यतः ईस्ट मानक ठारे संपादित होइथाए। एही प्रक्रिया सुनेष्टीय कोषरे जथा कार्टिलेजनस सेल, फोटल मेम्ब्रेन सेल एवं एंडोस्पर्म सेल रे संपादित होइथाए। एवं मुख्यतः किछि डिजीज सेल एवं ओल्ड सेल मानक क्षेत्र रे मध्य एही माइटोसिस प्रक्रिया परिलक्षित होइथाए। एही प्रक्रिया रे कोषर न्यष्टि एवं कोषजीवकर संकोचन घटी गोटिए मातृकोषरु दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होइथाए। एही प्रक्रिया रे जिनीय पदार्थर समान भावरे विभाजन होइ नथाए। कोषजीवक मध्य कम अधिक रही थाए अपत्य कोषरे। एही प्रक्रिया रे तर्कतंतु सृष्टि हुए नहीं। एथिरे न्यष्टि झिल्लीर अदृश्यता परिलक्षित होइ नथाए। एही प्रक्रिया को अन्य अर्थरे केरियो स्टेनोसिस मध्य कहा जाय थाए बा डायरेक्ट और इनसिपिएंट सेल डिविजन मध्य कहा जाय थाए। एही प्रक्रिया रे गुणसूत्रर समान भावरे बंटन होइ नथाए। प्रथमे याकु रोबोट रिमक नामकरण कराइथिले एवं परवर्ती समय रे वाल्थर फ्लेमिंग एही शब्द को उपस्थापना करिथिले। किंतु बहुकोशी जीवमानक ठारे देखा जाउथिबा अलिंगी जनन एही सरल विभाजन प्रक्रिया ठारु सामान्य भिन्न। तेबे एही जीवमानक ठारे जनन कोष बोली किछि नथाए। एबे देखिबा लिंगीय जनन प्रक्रिया विषय रे। लिंगीय जनन प्रक्रिया रे वंश विस्तार करथिबा जीवमानक शरीर रे प्रायतः दुई प्रकारर कोष देखिबा को मिलिथाए। गोटे होची कायिक बा सौम्य कोष बा सोमाटिक सेल, द्वितीयटी होची जायक कोष बा जर्म सेल। कायिक कोषर गुणसूत्र बा क्रोमोजोम संख्या एक युग्म संख्या बा सम संख्या बे रहिथाए। एही संख्या दुई द्वारा विभाज्य। कौनसी एक निर्दिष्ट जातिर सबु जीवरे एवं सही जातिर जे कौनसी जीवर युग्मक व्यतीत सबु कोषरे एही संख्या एकापरि। उदाहरण स्वरूप मनीषर गुणसूत्र संख्या हेउची 46, किंतु युग्मकरे गुणसूत्र संख्या हेउची 23, अर्थात डिम्बाणु एवं शुक्राणुरे गुणसूत्र संख्या 23 रहिथाए। प्रत्येक जातिरे गुणसूत्र संख्या हेउची स्थिर। परि मकार प्रत्येक कोषर न्यष्टि रे 20 बा 10 जोड़ा गुणसूत्र रही थाए।
ठीक सही परी भावरे बिलेईर गुणसूत्र संख्या होची 38 बा 19 जोड़ा, सिंहर गुणसूत्र संख्या होची 38 बा 19 जोड़ा, कुकुरर गुणसूत्र संख्या होची 78 बा 39 जोड़ा, हाथीर गुणसूत्र संख्या होची 58 बा 29 जोड़ा, परि आलुर गुणसूत्र संख्या 48 टी, ओट्सर गुणसूत्र संख्या 42 टी, गहमर गुणसूत्र संख्या 42 टी, आंबर गुणसूत्र संख्या 40 टी, धानर गुणसूत्र संख्या 24 टी। एहिपरि भावरे प्रत्येक जातिर गुणसूत्र संख्या होची स्थिर एवं अपरिवर्तनीय। प्रत्येक जीवमानंक ठारे एही संख्या को द्विगुणित बा डिप्लोइड संख्या कहा जाय थाए एवं एहाको 2n भावे सूचाई जाय थाए। सौम्य कोषर विभाजन द्वारा शरीरर वृद्धि मरामति आदि संभव होइथाए, एहाको माइटोसिस द्वारा संपन्न करा जाय थाए। एही विभाजनर जात अपत्य कोषर क्रोमोजोम संख्या अपरिवर्तित रहिथाए, एहा मातृकोषर क्रोमोजोम संख्या सहित समान। जनन अंग जथा पुरुषर मुस्क बा शुक्राशय बा टेस्टिस तथा स्त्रीर डिंबाशय थिबा आदिजायक कोष बा प्रीमोडियल जर्म सेल एवं सपुष्पक उद्भिदर फुलर केसररे थिबा पराग मातृकोष बा पोलेन मदर सेल तथा फलिका बा कार्पेले थिबा मेगास्पोर मातृकोष बा मेगास्पोर मदर सेल रे मध्य 2n संख्यक गुणसूत्र थाए। एही कोष गुडिकर जुग्मक जात होइथाए, जुग्मक जनन बा गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया रे जुग्मक सृष्टि समय रे अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा मियोसिस नामक एक विशेष प्रकारर कोष विभाजन होइथाए। एथि जगु जुग्मक पुरुषर शुक्राणु ओ स्त्रीर डिंबाणु बा फुलर परागरेणु ओ डिंबकोषरे गुणसूत्र संख्या अधा होई जाइथाए। एही संख्या को एक गुणितक बा हाप्लोइड संख्या कहा जाय थाए, एहाको एन भावे सूचाई जाय थाए। उदाहरण स्वरूप मणिषरे एही संख्या 23 ओ मक्कारे एही संख्या 10 अर्थात शुक्राणु एवं डिंबाणुरे गुणसूत्र संख्या 23 टी रही थाए एवं परागरेणुरे 10 टी एवं डिंबाणुरे 10 टी गुणसूत्र रही थाए। पुजुग्मक ओ स्त्री जुग्मकर मिलन बा समायन फलरे जुग्मज बा जाइगोट सृष्टि थाए। एथिरे दुईटी जुग्मकरे थिबा एनएन संख्यक गुणसूत्र मिसिबा द्वारा पुणी 2n संख्यारे स्थापन संभव होइथाए। जीव जगतरे लिंगीय जनन बहु पूर्वरु प्रचलित होई आसीछि। पुजुग्मक ओ स्त्री जुग्मकर गठन आकार आयतन आचरण ओ व्यवहार आदि प्रायत भिन्न भिन्न होइथाए। दुई प्रकारर जुग्मक एकापरि होइथिले सेमानंकु समजुग्मक कहा जाइथाए एवं सेमानंकर मिलनकु समजुग्मन बा आइसोगेमी कहा जाइथाए। एही समजुग्मक को आइसोगैमेट्स कहा जाइथाए। जुग्मक दुईटी भिन्न होइथिले सेगुडीकु असमजुग्मक बा आनाइसोगैमेट कहा जाइथाए एवं सेमानंकर मिलनकु आमे असमजुग्मन बा हेटरोगैमी कहिथाउ। साधारणतः शैवाल कबक ओ केतेक आदि प्राणी बा प्रोटोजोआ परे जीवमानंक ठारे ए दुई प्रकार प्रक्रिया देखिबाकु मिलिथाए। अन्य सबु उद्भिद ओ प्राणी रे देखा जाउथिबा विशेष प्रकार रा असमजुग्मन को डिंब जुग्मन कहा जाइथाए बा उगामी कहा जाइथाए। प्राय सबु क्षेत्र रे आयतन दृष्टि रु पुजुग्मक छोट, एहा गतिशील ओ सक्रिय अटे, किंतु स्त्री जुग्मक बेस बड़, आपाततः निष्क्रिय ओ स्थिर, एहा गतिशील नुहे। यार उदाहरण होची यथाक्रमे शुक्राणु ओ परागरेणु एवं डिंबाणु। अर्थात शुक्राणुटी छोट गतिशील एवं सक्रिय, किंतु डिंबाणुटी होची बेस बड़ निष्क्रिय एवं स्थिर एवं एहा गतिशील करे नहीं। जुग्मकर मिलन होची लिंगीय जननर मूल भित्ति।
एथिरु जात जुग्मज परवर्ती पीढ़ी जीवर प्रथम कोष एथिरे सम विभाजन बा माइटोसिस हुए ओ कोष संख्या बढ़े एथिसहित कोषर आकार आयतन और कार्य परिवर्तन एवं कोषर चलन पर बहु प्रक्रिया घटी नुआ जीवटीए जात होइथाए पीढ़ी परे पीढ़ी यह संपादित हो चली थाए जीव मरी जाए किंतु जीवजाति बंची रही थाए ता छड़ा अपत्य मानक भिन्न और नुआ लक्षण जात होगापाई आवश्यक परिवर्तनर एक प्रमुख उत्स होची लिंगीय जनन जीवजगत मुख्यतः दुई प्रकार कोष विभाजन परिलक्षित होइथाए गोटे हूँ सम विभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस द्वितीय हूँ अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा मियोसिस तृतीय आउ गोटे अच्छी जथा ताकु ए माइटोसिस बोली कहा जाए था मु पूर्वर यह आलोचना करदेची माइटोसिस कायिक कोषरे एवं आदिजायक कोषरे संगठित होता स्थले मियोसिस जुग्मक सृष्टि पाई उद्दिष्ट यह जुग्मक जननर शेष पर्यायर संपादित होइथाए किंतु जुग्मक जननर आद्य पर्यायर सम विभाजन बा माइटोसिस परिलक्षित होइथाए माइटोसिस मूल शब्द माइटोसरु आनित माइटोस अर्थ हेउची थ्रेड बा सूत्र बा सूता वाल्थर फ्लेमिंग ए प्रकार कोष विभाजन अनुध्यान करिबा अवसर रे क्रोमाटिन जालिका केतोटी माइटोस बा सूत्र रे परिणत हेबार देखिथिले सूत्र अर्थात माइटोस दृश्यमान हेउची बोली कहिथिले एहाको भित्ति करी एही कोष विभाजन नाम माइटोसिस रखा जाइछि अपरपक्षरे मियोसिस रो मूल शब्द मियोन रु आनित यार अर्थ टू रिड्यूस बा कमाइबा क्रोमोजोम संख्या अधा हो जाइथिबारु ए प्रकार कोष विभाजन नाम मियोसिस रखा जाइछि माइटोसिस रो प्रमुख घटना बा परिणाम बा गुरुत्व होची मातृकोषरो जात दुईटी अपत्य कोष भितरे मातृकोष स्थित डीएनए रो सम बंटन होइथाए अर्थात समस्त जीन रो आदान प्रदान सम परिमाण रे होइथाए तेणु एहाको इक्वेशनल डिविजन मध्य कहा जाइथाए सेही परि मियोसिस रो एक प्रमुख घटना होची क्रोमोजोम संख्या 2n रो n को ह्रास होइथाए से दृष्टि रो एहाको रिडक्शनल डिविजन कहा जाइथाए ओडिया रे मियोसिस पई अर्धायन बा अर्ध विभाजन बा रिडक्शनल डिविजन पई न्यूनक विभाजन मध्य को कहा जाय थाए एही परी दुईटी भिन्न शब्द व्यवहार करा जायछि प्रथम शब्दटी प्रक्रियार नाम भावे एवं द्वितीय शब्दटी विभाजनर प्रमुख घटना को सूचाइबा पई उद्दिष्ट होइछि किंतु उभय माइटोसिस ओ इक्वेशनल डिविजन पाई गोटे मात्र शब्द सम विभाजन ही ए पर्यंत व्यवहार हो आसुअछि उभय प्रक्रियार नाम एवं प्रमुख घटना सूचाइबा एका ओडिया शब्दर व्यवहार जुक्ति संगत नुहे तेणु माइटोसिस पाई सूत्रायन एवं इक्वेशनल डिविजन पाई सम विभाजन व्यवहार करिबा वांछनीय तेणु माइटोसिस को सूत्रायन मियोसिस को अर्धायन कहा जाए थाए इक्वेशनल डिविजन को सम विभाजन रिडक्शनल डिविजन को न्यूनक विभाजन कहा जाए थाए एबे पढ़िबा सूत्रायन बा माइटोसिस विषय जीवकोषर सम विभाजन बा सूत्रायन साधारणतः दुईटी पर्यायर संपादित होइथाए प्रथम पर्यायर न्यष्टिर विभाजन होइथाए एहाको न्यष्टि विभाजन बा कैरियोकाइनेसिस कहा जाय थाए परवर्ती अवस्था रे कोष जीवकर विभाजन होइथाए एहाको साइटोकाइनेसिस कहा जाय थाए एही परि भावरे विभाजन प्रक्रिया संपूर्ण होइ दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होइथाए एहा एक जटिल प्रक्रिया एवं एहाको चारोटी अवस्था रे वर्णना करा जाय अछि जथा आद्यवस्था बा प्रोफेज मध्यावस्था बा मेटाफेज उत्तरावस्था बा अनाफेज
एवं अंतिम अवस्था बा टिलोफेज। माइटोसिस्र प्रथम अवस्था होची आद्यवस्था बा प्रोफेज। आद्यवस्थार आरंभरे क्रोमाटिन जालिका देखा जाए थाए, अर्थात गुणसूत्र गुड़िक एक निर्दिष्ट आकार रे न रही एक जालिका सदृश परस्पर सहित छंदी होई रही थांती। जालिका क्रमे सुस्पष्ट एवं स्थूल रूप धारण करी परिशेषरे केतोटी निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र भावे दृश्यमान होइथाए। आद्यवस्थार शेष बेलकु प्रत्येक गुणसूत्र अनुलंब भावे दुईटी एकक गुणसूत्र रे विभाजित होइथिवार देखा जाइथाए, किंतु एहा गुणसूत्रर केन्द्र ठारे लागि रहिथाए। परवर्ती समय रे निन्यष्टि ओ न्यष्टि झिल्ली अदृश्य होइथाए। कोषरे थिबा केन्द्रपिंड बा सेंट्रोजोम दुई भागरे विभक्त होई कोषर दुई विपरीत मेरुआड़ गति करती ओ सेठारे तारक गठन करती बा एस्टर गठन करती। क्रमशः ए तारक गुड़िक वृद्धि होई तर्कुतंतुरे परिणत होइथाए। कोषर दुई मेरु अंचल रे तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ होइथाए। उद्भिद कोषरे सेंट्रोजोम नथिबा सत्वे कोष विभाजन स्वाभाविक भावरे संपादित होइथाए। एबे द्वितीय जिनस पढ़िबा मध्यावस्था बा मेटाफेज। मध्यावस्था रे गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल को बा इक्वेटोरियल प्लेट को चली आसंती। मेरुस्थित तर्कुतंतु क्रमशः वर्धित होई प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र सहित संयुक्त होइथाए। एबे तृतीयटी पढ़िबा उत्तरावस्था बा अनाफेज। उत्तरावस्था रे प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्रर विभाजन हुए तर्कुतंतु संकुचित हेबा फळरे गुणसूत्रर प्रत्येक एकक सूत्र दुई विपरीत मेरुआड़ गति करती। एही समय रे प्रत्येक एकक सूत्र नूतन गुणसूत्र कोणाकार बा भी आकार धारण करिथाए। चतुर्थटी पढ़िबा अंतिम अवस्था बा टिलोफेज। अंत्यावस्था रे अपत्य गुणसूत्र गुड़िक कोषर दुई मेरुरे जमा हुंती। क्रमशः प्रत्येक गुणसूत्र पुंजर चतुर्दिगरे न्यष्टि झिल्ली सृष्टि हुए। गुणसूत्र गुड़िक सूक्ष्म एवं अस्पष्ट हेबा आरंभ हेबा सहित निन्यष्टि मध्य सृष्टि होइथाए। एहा गला न्यष्टि विभाजन बा कैरियोकाइनेसिस। द्वितीयटी होची साइटोकाइनेसिस बा कोष जीवकर विभाजन। उद्भिद मातृकोषर मध्य भागरे एक कोषपट्टी देखा जाए थाए। क्रमे एहा सुस्पष्ट होई मातृकोषर कोष जीवक दुई भागरे विभक्त हेबा संगे संगे मातृकोषटी दुईटी समरूपी अपत्य कोषरे परिणत होइथाए। प्राणी मातृकोषरे कोषपट्टिका तयारी हुए नाही। कोष जीवकर संकोचन सूक्ष्मसूत्र बा माइक्रोफिलामेंट साहाज्यरे होई थाए विभाजन दुईटी अपत्य कोषरे।